कैसे आप लोग, आइए आपके बीच में मैं मुकेश कुमार मौर्य एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ आया हुआ हूँ। आप अपने चैनल मार्शल एजुकेशनल ग्रुप को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए बात कर लेते हैं। मैंने अभी इसके पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको बताया था, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है आपको बताया गया था। अब आइए आपको बताया जाएगा किडनी किससे मिलकर के बनता है, हाउ द किडनी फॉर्म्स एंड हाउ इट वर्क्स। आइए देख लिया जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर के बनता है, जैसे हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर सेल होती है, सेल के द्वारा हमारा बॉडी मिलकर के बनता है, उसी प्रकार किडनी क्या होता है, किडनी भी ढेर सारे फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बनता है। एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन। उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन होता है। अगर नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बनता है। पहला आपका होता है रीनल कैप्सूल, पहला आपका होता है रीनल कैप्सूल और दूसरा सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स होता है। रीनल कैप्सूल की बात करते हैं तो यह रीनल कैप्सूल यानी ईच नेफ्रॉन स्टार्ट्स विथ रीनल कैप्सूल। जो प्रत्येक नेफ्रॉन होता है वह रीनल कैप्सूल से स्टार्ट होता है, यही आपका रीनल कैप्सूल होता है। रीनल कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं, एक बोमेंस कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इस तरीके से कप की तरह होता है, और इसके अंदर में ग्लोमेरुलस होता है। ये देखिए, ये ग्लोमेरुलस एक टफ्ट होता है आपका, किसका, कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का एक टफ्ट होता है। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस एक बंच होता है, टफ होता है, वही इसमें पाया जाता है। अब देखिए, द आर्टरी कम्स टू फॉर्म ग्लोमेरुलस, यानी जो आर्टरी अंदर जाती है और क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस बनाती है, उसको बोला जाता है अफरेंट आर्टेरियोल। दिस वन इट इज द अफरेंट आर्टेरियोल, जिसके द्वारा ब्लड इस ग्लोमेरुलस में लाया जाता है, दैट विल बी द अफरेंट आर्टेरियोल। ये थोड़ी सी मोटी होती है, और द आर्टरी विच कम्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाहर जो निकलता है आर्टरी, उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोला जाता है, जो थोड़ी पतली होती है। अब यहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा आता है और यहां से रिलीज होता है, ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम निकल रहा है, तो इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है। दिस प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। अभी देखिएगा इसके बाद क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल फॉलोड बाय द नैरो नेक। ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, दैट इज द वुमेन्स कैप्सूल फॉलोड बाय नेक, यहाँ एक छोटे से नेक के द्वारा स्टार्ट होता है एंड कनेक्ट द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कह सकते हैं आपको, सेक्रेटरी ट्यूब्यूल से वो अटैच हो जाता है। तो सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स में तीन पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, एलओएच और सीटी। ये इतने पार्ट होते हैं आपके। अगर देखिए, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देखिए प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पास में कुंडलित नलिका होती है, इसके किसके पास में, कैप्सूल के पास में होता है, इसलिए इसको प्रोक्सिमल बोला जाता है। दूसरा होता है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब दूर होता है, वुमेन्स कैप्सूल से दूर होता है, इसलिए इसको डीसीटी बोलते हैं। उसके बाद एक यू के आकार का, दिस वन यू के आकार का एक आपका लूप ऑफ हेनल होता है, या लूप ऑफ हेनले कुछ लोग इसको बोलते हैं। ये लूप ऑफ हेनले पहले डिसेंडिंग फिर एसेंडिंग, एक बार नीचे आता है एक बार ऊपर जाता है, तो डी एलओएच और आपका ए एलओएच यानी डिसेंडिंग और एसेंडिंग एलओएच होता है। अब सारे जो एलओएच जो ओपन हो जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एंड दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द सीटी। और ये ढेर सारे जो सीटी हैं, ढेर सारे सीटी आपके ओपन हो जाते हैं पेल्विस में, पेल्विस या कैलिक्स ऑफ किडनी, उसमें ओपन हो जाते हैं, और वो अपना सिक्रीशन, यहां से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन आपका यूरेटर में कलेक्ट हो जाता है। तो दीज ऑल आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुकेश मौर्य सर के साथ जुड़े रहिए नए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।